मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में बात करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि वह पार्टी से संपर्क करने के लिए मराठवाड़ा विदर्भ आए हैं। ईडी की कार्रवाई के बारे में राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बनकर रह चुका है। वही उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि जिन जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है उन्हीं जगहों पर कार्रवाई हो रही है। भाजपा पर व्यंग कसते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बनकर रह चुका है। जिन जगहों पर भाजपा की सरकार नहीं है उन्हीं जगहों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ज्यादातर कार्रवाई पश्चिम बंगाल में ही होती है, ऐसा उनका कहना था। पश्चिम बंगाल मध्ये सर्वाधिक कारवाई आता है पश्चिम बंगाल। काल आपण पाहिलं असेल ममता बॅनर्जी यांचे नातेवाईक आहेत अभिषेक बॅनर्जी मित्राचा, त्याला आणि त्यांच्या पत्नीला सुद्धा ईडीने काल बोलवलं दिल्लीमध्ये। पण जाताना अभिषेक बॅनर्जीने सांगितलं की ईडीने कितीही दबाव आणला तरी मी त्यांच्याकडे झुकणार नाही। राजकीय षडयंत्र हा राजकीय गैरवापर होतोय तपास यंत्रणांचा। जिथे भाजपचे राज्य नाही तिथे भाजपचे मुख्यमंत्री नाही तिथेच फक्त ईडीच्या कारवाया। युपीएच्या काळामध्ये 10 वर्षांमध्ये फक्त 23 धाडी पडल्या आणि गेल्या 7 वर्षांमध्ये साधारण 23,000 धाडी त्या कोणावर पडल्या का पडल्या त्याच्या मागची प्रेरणा काय आहे। पण एक सांगतो, महाराष्ट्र असेल तर बंगाल असेल या तपास यंत्रणा ज्या आहेत या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागतात वापरलं जात आहे। आणि त्याच्यामुळे जर महाराष्ट्र आणि बंगालसारखी सरकार आम्ही पाडू आणि सत्ता असा कोणाचा गैरसमज असेल तर ते घमात आहे। आम्ही अजिबात वागणार नाही, बोलण्याचा प्रश्नच सोडा। तुम्ही खोटी प्रकरणे निर्माण करून आमची बदनामी करू ना शिवसेनेला वाकवू शकत आगे बात करते हुए वे बोले कि राज्य में 3 दलों की सरकार है। शिवसेना एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है, संगठन ही शिवसेना की असली ताकत है। शिवसेना देश के राज्य में 50 से अधिक वर्षों से जीवित है। यह एक मजबूत संगठन है जिसका हम और विस्तार करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश दंगिटवार के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।